हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी एक छोटे से गांव की जिसका नाम शक्तिपुर था। शक्तिपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम जय था। एक रोज़ जय अपने दोस्तों के साथ गांव के एक बहुत बड़े बाग में गिल्ली डंडा खेल रहा था। जय सामने की तरफ खड़ा था और उसके एक दोस्त ने गिल्ली को डंडे से बड़े ही ज़ोरों से मारा तो गिल्ली काफ़ी दूर जाकर खेतों में गिर गई। उस गिल्ली को देखते हुए जय भी गिल्ली के पीछे पीछे भागा, लेकिन जय को नज़र नहीं आई कि गिल्ली कहाँ जाकर गिर गई। जय काफ़ी देर तक उस गिल्ली को ढूंढता रहा। कुछ ही देर में उसका दोस्त भी आ गया और वो दोनों जने उस गिल्ली को ढूंढने लगे। वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल गए। एक जगह झाड़ियों में जा करके जय उस गिल्ली को ढूंढने लगा। उस झाड़ियों में एक काले धागे में लिपटी हुई एक अंगूठी जय को नज़र आई। जय ने देखा कि वो अंगूठी काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी, इसलिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जय ने वो धागा खोला और अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और उसके बाद फिर वो अपनी गिल्ली ढूंढने लगा। काफ़ी देर के बाद उसके दोस्त ने आवाज़ दी, जय गिल्ली यहाँ पड़ी है, और फिर जय को गिल्ली मिल गई। कुछ देर तक वो दोनों वहीं गिल्ली डंडा खेलते रहे। उसके बाद शाम के वक्त वो दोनों अपने अपने घर चले गए। खाना खाने के बाद जय बिस्तर पर जाकर सो गया। बिस्तर पर जय के साथ उसके दादाजी सो रहे थे। रात के लगभग 2 बजे का वक्त था। जय अपने बिस्तर पर से खड़ा हुआ और वो एकदम शांत सीधा सीधा चलने लगा। वो चलते हुए अपने घर के दरवाजे तक आया और उसने दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल गया। घर से कुछ दूर चलने के बाद जय ने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति पलंग बिछा कर अपने घर के बाहर सो रहा था। जय ने एक ही हाथ से जाकर उसका पलंग उठाकर पटक दिया की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह आवाज़ में, बहुत ही कड़क आवाज़ में बोला, क्या मुझसे बदला लेना चाहते हो तुम? सब मरोगे, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। इतना सुनते ही सभी लोग डर के मारे उल्टे पांव भागने लगे। अचानक ही जय ने उनके पीछे भागते हुए एक ही हाथ से एक पेड़ को उन लोगों की तरफ गिरा दिया। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। सभी लोग गांव में आ गए और गांव में एक कोहराम समझ गया। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि गांव में कोई शैतान घूम रहा है, कोई अपने घर के बाहर मत निकलना, सब लोग अपने अपने घर में छुप जाओ। गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सब ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और किसी ने भी बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं की। फिर कुछ ही देर में जय के दादाजी वहाँ चीखते चिल्लाते आए और उन्होंने कहा कि मेरा पोता मुझे नहीं मिल रहा, कोई है, किसी ने मेरे पोते को देखा है? फिर गांव के कुछ लोग जय के दादाजी के पास आए और पूछने लगे कि क्या हो गया साहब, आप किसको ढूंढ रहे हो? जय के दादाजी ने बताया कि मेरा पोता काफ़ी देर से नहीं मिल रहा, वो मेरे साथ ही सोया था लेकिन अब वो मेरे घर पर नहीं है। क्या गांव में किसी ने उसे देखा? अभी गांव में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था जिसको सुनकर मैं यहाँ पर आ गया। फिर लोगों ने बताया, हाँ गांव में एक शैतान आ गया था, हम लोग उसी के पीछे भागे थे लेकिन वो शैतान अब यहाँ से चला गया है और वो एक बच्चे की शक्ल में था। जय के दादाजी ने फौरन ही कहा कि वो बच्चा कैसा दिख रहा था? उन लोगों ने बताया कि उसने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और एक काले कलर का पैजामा पहना हुआ था। जय के दादाजी समझ गए वो जय ही था। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि तुमने उसे किस तरफ जाते हुए देखा था? उन सभी लोगों ने कहा, उसके पीछे जाना खतरे से खाली नहीं है, शायद तुम्हारे पोते के ऊपर किसी बहुत ज़्यादा बुरी आत्मा का साया है जिसकी वजह से वो एक औरत की आवाज़ में बोल रहा था और उसने एक ही हाथ से एक बड़ा सा पेड़ तोड़कर हमारी तरफ फेंक दिया था। फिर जय के दादाजी ने जय के पिताजी से कहा कि गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा करो, हम अभी जय को ढूंढने के लिए, कि देखो उस पेड़ के ऊपर शायद वही बच्चा बैठा हुआ है। सभी लोगों ने उस पेड़ की तरफ देखा तो जय के दादाजी देखते ही पहचान गए और कहने लगे, यही मेरा पोता है, कोई इसे नीचे उतारो। वो सभी लोग डर तो बहुत ज़्यादा रहे थे लेकिन जय के पिताजी के कहने पर 3 आदमी पेड़ के ऊपर चढ़े और उन्होंने वहाँ बेहोशी की हालत में जय को पाया। वो उसे वहाँ से नीचे उतार के लाए तो उसके दोनों हाथों में खून लगा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था जैसे कि उसने अभी किसी को मार के खाया हो।
या किसी का कच्चा ही खून पी लिया हो। वो सभी लोग जय को बेहोशी की हालत में ही गांव की तरफ ला रहे थे कि अचानक ही उसकी आंखें खुल गईं और जय उठकर खड़ा हो गया। सभी लोग डर के मारे उससे पीछे हटने लगे क्योंकि उसकी आंखें अभी भी एकदम लाल थीं और जय अभी भी एक औरत की आवाज़ में उन लोगों से बात कर रहा था और कह रहा था, क्या तुम लोग भी मुझे मारने आए हो? अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो मेरी तरफ आगे बढ़ के तो दिखाए, मैं उसका खून पी जाऊंगी। जय के दादाजी जय का नाम लेते हुए उसके एकदम करीब चले गए और उसने जाकर जय के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसने एक ही झटके में दादाजी को काफ़ी दूर उठाकर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई। फिर उनमें से एक आदमी बोला, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ ये कैसे काबू में आएगा। गांव में एक दुआ ताबीज करने वाले बहुत ही पुराने बाबा जी रहा करते थे। वो आदमी उन बाबा जी के पास गया और उसने उनसे जाके सारी बात बताई। फिर वो आदमी उन बाबा जी को लेकर खेतों की तरफ निकल गया। वो काफ़ी देर तक उन सभी लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन किसी भी इंसान का अता पता नहीं था। उसे ये तो पता था वो बच्चा इतनी आसानी से किसी के काबू में नहीं आएगा, वो इधर उधर कहीं भाग गया होगा और उसी के पीछे वो सभी लोग गए होंगे। वो आदमी उन बाबा जी को लेकर खेतों में काफ़ी दूर तक घूमता रहा। काफ़ी देर के बाद उसे एक आदमी नज़र आया जो खेतों की तरफ से भागते हुए आ रहा था और वो उसके करीब आकर उससे कहने लगा कि उन लोगों को उसने काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया है और वो लोग सामने वाले खेत में हैं। फिर वो लोग भी भागते हुए उस खेत की तरफ चले गए। खेत में पहुंचने वाले ही थे कि अचानक ही वो लड़का उनके सामने आ गया, लेकिन अब उन बाबा जी को देखकर वो लड़का बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। फिर जय उन बाबा जी से लड़की की आवाज़ में बोला कि तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। उन बाबा जी ने अपनी जेब से एक काले कलर का धागा निकाला और वो कुछ पढ़ने लगे और उस धागे में गीठे बांधने लगे। उन बाबा जी ने उस धागे के अंदर काफ़ी गीठे लगाईं। उसके बाद उस धागे को ले जाकर उन्होंने जय का एक हाथ पकड़ा और फिर वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा उसी लड़की की आवाज़ में कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन जय चिल्ला ही रहा था और उन बाबा जी ने जय का हाथ नहीं छोड़ा। देखते ही देखते उन्होंने जय के हाथ में वो पूरा काला धागा लपेट दिया और उसमें दो गीठे मार दी। कुछ ही देर में जय वहीं ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उन बाबा जी ने कहा कि इस बच्चे को तुरंत उठाकर गांव ले चलो। वो सभी लोग जय को उठा करके गांव ले आए। जय जब अपने घर पर आ गया उसके बाद उन बाबा जी ने जय के हाथ में वो अंगूठी देखी और फिर कहा, इस अंगूठी को उतारना होगा, ये जो भी बला थी इस अंगूठी से ही इसके साथ लगी हुई है। और फिर उन बाबा जी ने कहा, लेकिन अभी कोई भी इस अंगूठी को हाथ नहीं लगाएगा, पहले इस बच्चे को वहाँ लेकर चलो जहाँ इसको यह अंगूठी मिली थी। लेकिन ये तो किसी को नहीं पता था कि जय को वो अंगूठी कहाँ मिली थी, ये सिर्फ जय को पता था। इसलिए लगभग 3 से 3.5 घंटे उन लोगों ने जय को होश में आने का इंतज़ार किया। जब जय होश में आया तो उससे पूछा कि तुमको ये अंगूठी कहाँ मिली थी। जय ने बताया कि उसको जिस जगह ये अंगूठी मिली थी। फिर वो सभी लोग जय के साथ उस जगह पर गए। उस जगह जब वो पहुँचे तो वहाँ पर वो काला धागा भी पड़ा हुआ था। फिर उन बाबा जी ने कहा कि अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर इस धागे में बांध कर और इस धागे को इसी जगह रख दो। जय ने अपने हाथ से वो अंगूठी निकाली और उस काले धागे में वो अंगूठी बांध दी। बांधने के पास वो अंगूठी वहीं फेंक दी। उसके बाद उन बाबा जी ने जय से कहा, अब तुम सीधे नहीं चलोगे, जिस तरीके से तुम इधर आए थे उसी तरीके से अब तुम उल्टे पाँव चलोगे, सीधा बिल्कुल नहीं चलना। फिर जय को वो बाबा जी काफ़ी दूर तक उल्टे पाँव लेकर आए। उसके बाद कहा, अब तुम सीधे हो सकते हो। और गांव के उनके साथ 7 से 8 लोग थे, सभी लोग से बाबा जी ने कहा, अब तुमको कुछ लोग पीछे से आवाज़ देंगे, लेकिन तुम लोगों को किसी की आवाज़ नहीं सुननी। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुलाएगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुनना, और तुम्हें सीधा सीधा चलते रहना है, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और सभी लोग सामने की तरफ देखते हुए वहाँ से गांव तक आ गए। गांव आने के बाद जय बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो अपनी ही आवाज़ में बोल रहा था।
लेकिन जे काफ़ी दिन तक बीमार रहा क्योंकि शायद उसने किसी जंगली जानवर को मारकर उसका खून पिया था। इस वजह से उसके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन फिर वो भी ठीक हो गया। और जय को और गांव के सभी लोगों को यह सीख मिल गई कि कोई भी अनजान चीज़ उठाकर इस तरीके से नहीं पहननी चाहिए। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।